वाह्य अनुलोम भी करने के बाद भ्रामरी करेंगे। दोनों हाथ उठा लीजिए इस प्रकार, दोनों अंगूठा कान में लगा लीजिए इसे, कान के ढक्कन पर, कान का है ना ढकना, थेपी के बंद कर लो। तर्जनी को ऐसे करिए आगे में है, पहले देख लो सभी लोग कैसे बता रहे गुरु जी, कैसे कर रहे हैं एक बार देख लो तब करिए। हाँ, पहले बना दीजिए। अंगूठा के कान पे रखना है, अभी देखो पहले, और तर्जनी को ललाट के बीच में रखना है यहाँ पर, और तीनों उंगली को मोड़ के आंख पर रखना है धीरे से, मुंह बंद कर लेना है और नाक से सांस भर कर ओम का उच्चारण भौरे जैसा गुंजन करना है 5 बार। तो आइए सभी ऐसा पोज बनाइए, मुंह बंद करिए और नाक से सांस भरिए और 5 बार भौरा जैसा। ऊपर करिए, आंख बंद रखिए, ऊपर करिए, हथेली को रगड़िए आपस में, ऐसे खूब रगड़िए जोर जोर से। हथेली जब गर्म होने लगे तो इस गर्म हथेली को अपने आंख पर धीरे धीरे मालिश करिए, ऐसे ललाट पर, मुख पर, और धीरे धीरे हाथ जोड़ करके और आंख को आप लोग खोल दीजिए।